मुरादाबाद जनपद में हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शिलान्यास संगठन के अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी के विरोध में तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के संबंध में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन यात्रा 6 दिसंबर को निकालने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि जिसको लेकर पुलिस ने पार्टी के युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी को सोमवार की सुबह को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद के मंजूरा थाने का घेराव किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के ITCL प्रदेश अध्यक्ष अंकुर भारद्वाज ने बताया कि हिंदुवादी नेता प्रियांशु जोशी को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा मथुरा जाने से रोका गया और उनको थाना मंजूला पुलिस ने 5 दिसंबर रात्रि 11 बजे से उनके घर पर पहरा लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने 6 दिसंबर की सुबह को थाना मंजूला में ले जाकर बंद कर दिया। हिंदुवादी सरकार होने के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार क्यों होना ही है, तभी सूचना पाकर सभी हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुरादाबाद के थाना मंजूला पहुंचे, प्रियांशु जोशी के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस मौके पर अंकुर भारद्वाज, T2, राहुल सैनी, गुंजर शर्मा, बबीता रानी, विकास सैनी, मोहित ठाकुर, अजय भटनागर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका और आज क्या मामला है, क्यों थाने मझोला में एक आप लोग एकत्र हुए हैं? मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा से। आज हम मझोला थाने में इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रियांशु जोशी जी को कल रात जो है नज़रबंद किया गया उनके घर पर तथा सुबह जो है उनकी गिरफ्तारी की गई। प्रकरण ये था कि मथुरा में एक मंदिर को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन हिंदू समाज पार्टी ने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए श्रीमान प्रियांशु जोशी जी मथुरा जा रहे थे, इसी प्रकरण में इन्होंने उन्हें उठाकर बंद कर दिया। नहीं, किस संबंध में जा रहे थे, क्या था मामला? किस वहाँ पे मंदिर को आज़ाद कराने के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को आज़ाद कराने के लिए जहाँ पे मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से हुआ हुआ है उसे आज़ाद कराने के लिए आज आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। तो ये कब से इन्हें नज़रबंद कर रखा है, क्या इन्हें कल रात से जो है इनके घर पर पुलिस तैनात थी और आज सुबह इन्हें जो है उठाकर मझोले थाने लाया गया। तो इसमें और आपके साथ और भी कुछ पार्टियां शामिल हैं, क्या है? इसमें कुछ और संगठन भी हैं जिनकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को है। क्या सरकार का क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का क्या कहना है? सरकार तो पूर्णतः हिंदुओं को इस टाइम दबाने पे लगी हुई है। हिंदुत्व का मुखौटा पहनकर बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदुत्व को दबाने का काम किया है। कोई भी प्रकरण हो, चाहे गुड़गांव में नमाज का कार्यक्रम रोकने का वो हो, चाहे जो है मथुरा में आंदोलन रोकने का हो, जहाँ हिंदू गतिविधि होती है वहीं भाजपा जाकर बलपूर्वक उसे दबाने का प्रयास करती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। गुरुग्राम में नवाज का मुद्दा चल रहा है, 6 महीने हो गए हैं, भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी अभी तक सरकार से कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। ये मथुरा में जरा सा आंदोलन करने चले तो मथुरा में इन्होंने उठा के सबको बंद कर लिया। इसमें हाल ही में कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी लखनऊ में। हाँ, राजेश मणि त्रिपाठी जी की हमारे जो सचिव हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी लखनऊ में, उन्हीं के समर्थन में हमने जो है आंदोलन करने का फैसला किया था। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? अब हम यही चाह रहे हैं कि प्रियांशु जोशी जी को रिहा किया जाए और भाजपा को इस चीज़ को समझना होगा कि अब उसका हिंदुत्व का मुखौटा उतर चुका है, लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है। अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा तो जनता बहुत जल्दी उसे अपना जवाब देगी। तो भाजपा भी तो हिंदुत्व की बात करती है, आपको क्या किसने नजरिए से देखते हैं? एक टाइम पे जब कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन करा था, मुलायम सिंह जी ने उन पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। आज हिंदू समाज पार्टी के और अन्य जो संगठन हैं अगर आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आज आप उठा के उन्हें बंद कर रहे हैं, कल को वो आंदोलन करने जाएंगे तो आप भी गोली चलाएंगे। तो इसमें आप में और सभा में हमें तो कोई अंतर समझ में नहीं आता, तो क्या अंतर बचा? अगर ऐसी हिंदुत्व की पार्टी हमें लानी है तो हम मुलायम सिंह को वोट ना दे दें, अखिलेश यादव को वोट ना दे दें, जब हमें उसी ढर्रे पे चलना है तो क्यों परिवर्तन लाया था हिंदुओं ने आज के दिन के लिए कि हम हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ दबाई जाएगी? लगातार प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुओं की आवाज़ दबाने के लिए। नहीं, इस समय अभी कोरोना काल चल रहा है, किस तरह का आश्वासन पुलिस दे रही है, क्या है कोरोना काल चल रहा है, क्या बता रही है? पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक, किसी से बात नहीं हुई है। कम से कम 6 घंटे लगभग इन्हें बैठे हुए हो गए और लगभग 4 से 5 घंटे हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठे हुए हो गए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है कि आगे इनकी क्या रणनीति है, क्या करेंगे, चालान काटेंगे, जेल भेजेंगे, रखेंगे, छोड़ेंगे, क्या करेंगे, कोई जानकारी। इसके अलावा आपकी किसी उच्चाधिकारियों से बात हुई? कोई उच्चाधिकारी अभी तक नहीं आया बात करने के लिए। तो अगर यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो क्या करेंगे आप? तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी जी को अगर नहीं छोड़ा गया तो हम फिर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, ये हमारी